Hello and welcome to English Academy. Today we'll be studying the story Mrs. Packletide's Tiger, that is chapter 2 in the class 10th English Literature Reader. The writer is Saki. Now Saki is trying to tell us about the jealousy of women. High society mein women kitni jealous hoti hain ek dusre se. Aur hamari jo main character hai Mrs. Packletide, jab inhe pata chalta hai ki Luna naam ki ek female अफ्रीका गई थी, वहां के जंगलों से वो टाइगर स्किन लेकर आई है, टाइगर का शिकार करके आई है, मिसेस पैकलेटाइड उसे नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए वो प्लान करती है कि वो भी इंडिया के जंगल्स में जाएगी, हिमालयाज में, और वहां से वो भी एक टाइगर का शिकार करेगी और उसकी स्किन लाएगी ताकि वो शो कर सके कि वो लूना से भी ज्यादा अच्छी है, बेटर है। तो यही उसका जो प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट करती है, प्लान एग्जीक्यूट करने में उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फाइनली स्टोरी बहुत ही फनी जगह पर एंड होती है। आइए इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को पढ़ते हैं। इट वॉज मिसेस पैकलेटाइड्स प्लेजर एंड इंटेंशन दैट शी शुड शूट अ टाइगर। सो मिसेस पैकलेटाइड प्लेजर के लिए, और उनका एक इंटेंशन भी, तो उनका एक पर्पज भी था जिसके वजह से वो एक टाइगर का शिकार करना चाहती थी। नॉट दैट द लस्ट टू किल हैड सडनली डिसेंडेड ऑन हर, और दैट शी फेल्ट दैट शी वुड लीव इंडिया सेफर एंड मोर होलसम देन शी हैड फाउंड इट विद वन फ्रैक्शन लेस ऑफ वाइल्ड बीस्ट पर मिलियन ऑफ इनहैबिटेंट्स। लस्ट मीन्स डिजायर, होलसम मीन्स कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारे राइटर कहते हैं कि टाइगर का शिकार करने का पर्पस ये नहीं था कि वो एकदम से उनके अंदर शिकार करने की डिजायर जाग गई थी, ना ही ऐसा था कि वो ये चाहती थी कि इंडिया को और ज्यादा सेफ बना दे। जब वो एक टाइगर का शिकार कर देगी, एक टाइगर कम हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही फ्रैक्शन है, बहुत ही छोटी सी चीज है इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ वाइल्ड बीस्ट विच लिव इन इंडिया। तो ऐसा भी नहीं है कि वो भारत को और ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहती थी, इसलिए वो टाइगर का शिकार करना चाहती थी। द कंपेलिंग मोटिव फॉर हर सडन डिविएशन टुवर्ड्स द फुटस्टेप्स ऑफ निमरोद वॉज द फैक्ट दैट लूना विम्बर्टन हैड रिसेंटली बीन कैरिड 11 माइल्स इन एन एरोप्लेन बाय एन अल्जीरियन एविएटर। निमरोद क्या है? अ बिब्लिकल कैरेक्टर हु इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ नोआ, अ माइटी हंटर। सो निमरोद एक बाइबल से लिया हुआ कैरेक्टर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल हंटर हुआ करता था। मोटिव मीन्स आपका जो एम है कुछ करने का, डेविएशन मीन्स आप अपने प्लान से हट जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। अल्जीरियन मीन्स अल्जीरिया, अफ्रीका का रहने वाला, एंड एविएटर मीन्स पायलट। नाउ ही इज टेलिंग अस दैट व्हाई डिड शी वांट टू हंट अ टाइगर। वो क्यों जा रही थी हमारे हिमालयस के जंगलों में, जहां पर बाइबल के टाइम्स में निमरोद नाम का हंटर हुआ करता था? क्योंकि उन्हें पता लगा कि लूना विम्बर्टन नाम की औरत अल्जीरिया के जंगलों में गई थी एरोप्लेन पर बैठकर, और वहां पे उसने क्या किया, एंड टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स ओनली अ पर्सनली प्रोक्योर्ड टाइगर स्किन एंड अ हैवी हार्वेस्ट ऑफ प्रेस फोटोग्राफ कुड सक्सेसफुली काउंटर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हैवी हार्वेस्ट मीन्स अ कलेक्शन एंड काउंटर मीन्स टू अपोज। तो उन्हें पता लगा कि लूना विम्बर्टन जब अल्जीरिया के जंगलों में गई थी एरोप्लेन में बैठकर, तब वो वहां से एक शेर का शिकार करके आई थी और उसकी स्किन लेकर आई थी, और साथ ही साथ बहुत सारी फोटोग्राफ्स लाई थी जो कि अखबारों में छपी थी, जो ये बता रही थी कि उसने कितना महान काम किया है। तो ये था पर्पस पैकलेटाइड का हंटिंग करने का। Mrs. Packletide had already arranged in her mind the lunch she would give at her house in Curzon Street, ostensibly in Luna Wimbledon's honor, with a tiger skin rug occupying most of the foreground and all of the conversation. Arranged in her mind means usne pehle hi plan kar liya tha, ostensibly means supposedly, dikhane ke liye, and foreground means most prominent feature of display, means background, and conversation means a topic of discussion. तो मिसेस पैकलेटाइड ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि लूना विम्बर्टन की अचीवमेंट की खुशी में वो उसके ऑनर में एक लंच ऑर्गेनाइज करेंगी अपने घर पर, जो कि कर्जन स्ट्रीट पर लोकेटेड है। और उन्होंने प्लान किया था कि वो शिकार करके जो टाइगर स्किन लेकर जाएंगी ना, उसका जो रग है, जो छोटा सा मैट है, वो वहां पर अपने घर में बिछा देंगी, ताकि सब लोग उनसे पूछेंगे जो भी उस लंच पर आएंगे
कि अरे अरे अरे, आपके पास भी टाइगर स्किन का रग है, यानी कि आपने भी शिकार किया है। तो इस तरह वो सारी लाइमलाइट को अपनी तरफ ले जाएंगी, और जबकि उन्होंने लंच रखा था लूना के ऑनर में, तो इस तरह से वो लूनर को नीचा दिखा देंगी। शी हैड ऑल्सो ऑलरेडी डिजाइंड इन हर माइंड द टाइगर क्लॉ दैट शी वॉज गोइंग टू गिव लूना बिम्बर्टन ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। नाउ टाइगर क्लॉ ब्रूश इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी इन द शेप ऑफ अ टाइगर्स क्लॉ विद अ पिन एट द बैक दैट कैन बी फास्टन टू अ वुमेन्स क्लोथ्स। एक सेफ्टी पिन होती है जिसके ऊपर एक फैंसी डिजाइन बना होता है, उसे कहते हैं ब्रूश। उसे आप अपनी ड्रेस पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं सेफ्टी पिन के यूज करना है, वहां पर भी आप ब्रूश को यूज कर सकते हैं। तो हमारी मिसेस पैकलेटाइड ने प्लान किया था कि जब वो ये लंच होस्ट करेंगी तो वो लूना को एक गिफ्ट देंगी, एक ब्रोच गिफ्ट करेंगी जो एक टाइगर के पंजे की शेप में बना होगा, और वो उस ऑनर में होगा कि हाँ, इसने टाइगर का शिकार किया है। इन अ वर्ल्ड दैट इज सपोज टू बी चीफली स्वेड बाय हंगर एंड बाय लव, मिसेस पैकलेटाइड वॉज एन एक्सेप्शन। हर मूवमेंट्स एंड मोटिव्स वर लार्जली गवर्न्ड बाय डिसलाइक ऑफ लूना बिम्बर्टन। तो यहाँ पे हमें राइटर बता रहे हैं कि अदरवाइज जो दुनिया है वहां पे लोग काम दो रीजंस की वजह से करते हैं, या तो भूख लगी है या वो किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ करते हैं। लेकिन मिसेस पैकलेटाइड अलग थी, उसके सारी एक्टिविटीज वर बेस्ड अराउंड हर डिसलाइक फॉर लूना बिम्बर्टन। वो लूना को बिल्कुल नापसंद करती थी, इसलिए वो हर वक्त मंसूबे बनाती रहती थी लूना को नीचा दिखाने के लिए, लूना से बेटर बनने के लिए, और उसकी सारी एक्टिविटीज उसी एम के लिए होती थी। सर्कमस्टांसेस प्रूव्ड प्रोपाइटस। मिसेस पैकलेटाइड हैड ऑफर्ड 1,000 rupees फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ शूटिंग अ टाइगर विदाउट ओवर मच रिस्क और एक्सर्शन, एंड इट सो हैपेंड दैट अ नेबरिंग विलेज कुड बोस्ट ऑफ बीइंग द फेवर्ड रेंडेवू ऑफ एन एनिमल ऑफ रिस्पेक्टेबल एंटीसीडेंट्स। प्रोपाइटस मीन्स फेवरेबल, एंड रेंडेवू मीन्स किसी से मुलाकात करना। रिस्पेक्टेबल एंटीसीडेंट्स मीन्स गुड लीनिएज, जिसके एंसेस्टर्स, जिसकी पेरेंटेज बहुत अच्छी है। नाउ सर्कमस्टांसेस मिसेस पैकलेटाइड के लिए फेवरेबल थे, हंटिंग के सर्कमस्टांसेस। उन्होंने ये ऑफर किया था कि वो 1,000 rupees देंगी उसको, जो एक ऐसा टाइगर लेके आएंगे जिसे वो आराम से मार सके, आसानी से मार सके। और आसपास के गांव वालों ने एक ऐसा ही टाइगर अरेंज किया, और ये कहा जाता है कि उसकी लीनिएज बहुत अच्छी थी, मींस उसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी। तो एक अच्छी वैरायटी का ऐसा टाइगर उन्होंने अरेंज किया जिसे मिसेस पैकलेटाइड आसानी से मार सकती हैं और उनकी जान को कोई खतरा ना हो। विच हैड बीन ड्रिवन बाय द इंक्रीजिंग इन्फर्मिटीज ऑफ एज टू अबैंडन गेम किलिंग एंड कन्फाइन इट्स एपेटाइट टू स्मॉलर डोमेस्टिक एनिमल्स। Now, infirmities of age means uski ill health due to old age, and game killing means give up the hunting of a bigger animals, and appetite means hunger. तो ये जो इन्होंने टाइगर अरेंज किया था, ये बूढ़ा टाइगर था, इसीलिए इसने बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया था, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से इसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये छोटे छोटे डोमेस्टिक एनिमल्स को ही शिकार करके खा लिया करता था, और ये टाइगर को हंट करना सेफ इसलिए था क्योंकि ये इतना एक्टिव नहीं था, इतना फिरोशियस नहीं था, ये बूढ़ा हो गया था। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग द 1,000 rupees हैड स्टिमुलेटेड द स्पोर्टिंग एंड कमर्शियल इंस्टिंक्ट ऑफ द विलेजर्स। चिल्ड्रन वर पोस्टेड नाइट एंड डे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द लोकल जंगल टू हेड द टाइगर बैक इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ हिज अटेम्प्टिंग टू रोम अवे टू फ्रेश हंटिंग ग्राउंड्स। प्रोस्पेक्ट मीन्स होप, एंड कमर्शियल इंस्टिंक्ट मीन्स आपका एक ऐसा बिहेवियर है जिसका एम है पैसे कमाना। अब जो गांव वाले हैं वो 1,000 rupees का इनाम जीतना चाहते थे, इसलिए वो इसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मेहनत की ताकि वो मिसेस पैकलेटाइड की हंटिंग को सक्सेसफुल कर सके। एक तो उन्होंने ऐसा टाइगर अरेंज किया जिसे वो आसानी से मार सकती थी, फिर उन्होंने क्या किया, जंगल के आसपास, जंगल के बाहरी इलाके में बच्चों को तैनात कर दिया जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं शेर जंगल के उस एरिया से बाहर ना चला जाए शिकार करने के लिए। सो दे वर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 1,000 rupees, एंड द चीपर काइंड ऑफ गोट्स वर लेफ्ट अबाउट विद इलैबोरेट केयरलेसनेस टू कीप हिम सैटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट क्वार्टर्स। इलैबोरेट मीन्स वेरी डिटेल्ड एंड प्लान्ड, एंड प्रेजेंट क्वार्टर्स मीन्स वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो प्रेजेंट
जगह जहां पर इस टाइगर को रखा गया था। अब उस टाइगर को उसी जंगल के एरिया में रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके खाने के लिए बहुत ही सस्ती वैरायटी की गोट्स भी अरेंज की ताकि वो उनका शिकार करे और उन्हें खाए और उस एरिया से बाहर ना जा पाए। अब देखिए हमारे राइटर कहते हैं विद इलैबोरेट केयरलेसनेस। इलैबोरेट का मतलब है बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और प्लानिंग करना, और केयरलेस का इसका मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपने कुछ भी प्लान नहीं किया। तो देखिए ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स काफी ऑपोजिट हैं। तो जब हम इस तरह के दो ऑपोजिट मीनिंग वाले मींस कंट्रास्टिंग मीनिंग वाले वर्ड्स यूज करते हैं, इसे हम ऑक्सीमोरॉन का फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सो इलैबोरेट केयरलेसनेस, इलैबोरेट मींस समथिंग व्हिच इज रियली प्लान्ड, एंड केयरलेसनेस मींस व्हेन यू हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, यू आर नॉट केयरफुल, राइट? सो केयरलेसनेस कैन नॉट बी इलैबोरेट, सो दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन जब वो कहते हैं विद इलैबोरेट केयरलेसनेस। Now we read further. The one great anxiety was lest he should die of old age before the date appointed for the Mem Sahib's shoot. Anxiety means worry about, uncertainty, and lest means something undesirable. तो एक चिंता थी गांव वालों की कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम की शूटिंग वाले दिन से पहले बुढ़ापे की वजह से शेर खुद ही ना मर जाए। Mothers carrying their babies home through the jungle after the day's work in the fields hushed their singing lest they might curtail the restful sleep of the venerable herd robber. Now here hushed means stopped, lest again indicates something undesirable. Venerable means respectable, जिसको हम इज्जत देते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है या समझदार है, and herd robber refers to the tiger who hunts and preys on other animals. अब जंगल से गुजरती हुई औरतें अपने बच्चों को भी चुप करा लिया करती थी, रोने नहीं देती थी, कहीं उनकी आवाज से वो जो शेर है जो आराम कर रहा है वो कहीं जाग ना जाए। अब देखिए venerable herd robber ये भी एक oxymoron का figure of speech है, because venerable means respectable and herd robber means एक शिकारी। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर जो शिकार करता है, जो शिकारी है, उसे कभी भी कोई इज्जत नहीं देगा क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे जानवरों को मार रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने वेनरेबल इसलिए यूज किया है क्योंकि ये टाइगर बूढ़ा है, इसलिए उसे रिस्पेक्ट दी जा रही है। लेकिन ये दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग्स है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो ये भी है ऑक्सीमोरॉन का फिगर ऑफ स्पीच। फर्दर राइटर कहते हैं The great night duly arrived, moonlit and cloudless. A platform had been constructed in a comfortable and conveniently placed tree, and thereon crouched Mrs. Packletide and her paid companion, Miss Mebbin. Crouched means a sitting position. यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से जब बैठते हैं हम, जब हम अपनी नीज को फोल्ड कर लेते हैं और अपर बॉडी को आगे ले आते हैं क्योंकि हम छुपना चाहते हैं। तो वो रात आ गई जिस दिन मिसेस पैकेटाइड ने हंटिंग करनी थी, और वो रात थी मूनलिट एंड क्लाउडलेस, यानी कि पूरा चांद निकला हुआ था, पूर्णिमा की रात थी और आसमान में बादल भी नहीं थे, आसमान बिल्कुल क्लियर था। तो विलेजर्स ने जंगल के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म रेज किया हुआ था जहां से वो शिकार करेंगी और उन्हें आसानी से शेर दिख जाएगा, और वहां पर मिसेस पैकलेटाइड झाड़ियों के पीछे छुप के बैठी हुई थी और साथ ही मिस मेबिन भी थी। मिस मेबिन पैकलेटाइड की पेड कंपेनियन थी, वो पैसे लेकर उनके साथ आई हुई थी इस शिकार के लिए। अ गोट गिफ्टेड विद अ पर्टिकुलरली परसिस्टेंट ब्लीड सच एज इवन अ पार्शियली डेफ टाइगर माइट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हियर ऑन अ स्टिल नाइट वॉज टेदर्ड एट द करेक्ट डिस्टेंस। Persistent means prominent. Bleat is the sound made by the goat. Still night means that it was very quiet. बिल्कुल शांति थी. And tethered means tied with a rope. तो जब शिकार करने का टाइम आया तो उन्होंने एक ऐसी बकरी को भी वहां पर रस्सी से बांध दिया था जो कंटिन्यूसली ब्ली 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 कर रही थी ताकि वो उसकी आवाजें सुन के टाइगर उसकी तरफ आकर्षित होकर आएगा, और जब वो उसे खाने के लिए आएगा तब मिसेस पैकलेटाइड उसे गोली मार देगी। With an accurately sighted rifle and a thumbnail pack of patience cards, the sportswoman awaited the coming of the quarry.
Patience cards refers to small size playing cards which are used to play solitaire. Sportswoman refers to the hunter, that is Mrs. Packletide. And quarry means the prey या जिसका हमने शिकार करना है. So यहाँ पे राइटर कहते हैं कि Mrs. Packletide के पास एक राइफल थी एंड अ थंबनेल पैक ऑफ पेशेंस कार्ड. मीन्स वो छोटे साइज के जो ताश के पत्ते होते हैं उसका पैक लेके आई हुई थी ताकि ताकि उसको खेल के वो अपना टाइम पास कर सके और वो अपनी पेशेंस रखे. एंड ऐसे वो वहां पर बैठी हुई थी और उस शेर का इंतजार कर रही थी. आई सपोज वी आर इन सम डेंजर, सेड मिस मेबल. शी वॉज नॉट एक्चुअली नर्वस अबाउट द वाइल्ड बीस्ट, बट शी हैड अ मॉर्बिड ड्रेड ऑफ परफॉर्मिंग एन एटम मोर सर्विस देन शी हैड बीन पेड फॉर. मॉर्बिड मीन्स अनप्लेजेंट, ड्रेड मीन्स फियर, डर. एटम मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल. मिस मेबिन कहती है मुझे लगता है हम किसी खतरे में हैं. अब राइटर कहते हैं कि वो खतरे में नहीं थी, उसे कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो जिस काम के लिए उसको पेमेंट मिली है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा काम करने को तैयार नहीं थी. नॉनसेंस, सेड मिसेस पैक्लेटाइड. इट्स अ वेरी ओल्ड टाइगर, इट कुडंट स्प्रिंग अप हियर इवन इफ इट वॉन्टेड टू. If it's an old tiger, I think you ought to get it cheaper. 1,000 rupees is a lot of money. Spring up means jump up. तो पैक्लेटाइड कहती है अरे बकवास है, ये इतना बूढ़ा शेर है, ये कभी भी छलांग मारकर हम तक नहीं पहुंच पाएगा. तो मिस मेविन कहती है अगर ये टाइगर इतना बूढ़ा है तो 1,000 रुपए तो इसके लिए बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पर अब तक हमने मिस मेविन के कैरेक्टर के बारे में जो कुछ भी जाना है उससे हमें एक कैरेक्टर ट्रेट पता चलता है कि ये औरत बहुत ज्यादा लालची है. पहले तो ये पैसे लेकर आई है पैक्लेटाइड के साथ शिकार पर, और दूसरा ये फिर से पैसे की बात करती है जब ये कहती है कि 1,000 रुपया एक बूढ़े शेर के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं. फर्दर राइटर कहते हैं लुइजा मेविन अडॉप्टेड अ प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी इन जनरल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और डिनोमिनेशन. हर एनर्जेटिक इंटरवेंशन हैड सेव्ड मेनी अ रूबल फ्रॉम डिसिपेटिंग इटसेल्फ इन टिप्स इन सम मॉस्को होटल. इंटरवेंशन मीन्स आप जब किसी ट्रांजेक्शन में रुकावट डाल दें. रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया. डिसिपेटिंग मीन्स डिसअपियरिंग. एंड टिप्स क्या होती हैं? आप जब छोटे छोटे पैसे किसी को देते हैं उसकी सर्विसेज के लिए. एंड मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया. अब लुइजा मेविन पैसे के मामले में एक बड़ी बहन के जैसी थी, और जैसे एक बड़ी बहन होती है ना छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखती है, इसी तरह वो भी मिसेस पैक्लेटाइड के पैसों का, खर्चे का बहुत ध्यान रखती थी. इसी तरह एक बार जब वो मिसेस पैक्लेटाइड के साथ रशिया गई थी ट्रिप पर, तो वहां पर भी मॉस्को के होटल में टिप्स देने से उसने बहुत बार पैक्लेटाइड को रोका और उसके बहुत सारे रूबल रशिया की करेंसी को बचाया ताकि वो उसे वेस्ट ना कर सके. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि मिस मेविन एक बड़ी बहन की तरह पैक्लेटाइड के पैसों के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न थी, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी. एंड फ्रैंक्स एंड सेंटाइम्स क्लंग टू हर इंस्टिंक्टिवली अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच वुड हैव ड्रिवन देम हेडलॉन्ग फ्रॉम लेस सिंपैथेटिक हैंड्स. फ्रैंक्स इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग बिफोर बींग रिप्लेस्ड बाय यूरो. एंड सेंटाइम्स इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ फ्रैंक. Headlong means to give away in haste with determination. तो इसी तरह जैसे उसने मॉस्को में रूबल्स बचाए थे, इसी तरह जब वो फ्रांस गए तो उसने फ्रैंक्स और सेंटाइम्स, ये भी करेंसी है फ्रांस की जो कि यूरो से पहले यूज हुआ करती थी, वो भी इसी तरह से बचाए थे. क्योंकि अदरवाइज मिसेस पैक्लेटाइड का एटीट्यूड कैसा है, वो जल्दबाजी में बहुत सारे पैसे खर्च दी जाती है. वो तो जब मिस मेविन उसके साथ हुआ करती थी तो वो उसे रोक देती थी और इस तरह से वो उसे फजूल खर्ची करने से रोक लेती थी. हर स्पेकुलेशंस एज टू द मार्केट डेप्रिसिएशन ऑफ टाइगर रेमनेंट्स वर कट शॉर्ट बाय द अपीयरेंस ऑन द सीन ऑफ द एनिमल इटसेल्फ. डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू और नंबर ऑफ समथिंग एंड रेमनेंट्स मींस रिमेन्स. अब जब मिस मेविन ये भावबाजी कर रही थी कि भाई बूढ़ा शेर है तो इसके लिए 1,000 रुपए देना तो ज्यादा है, ऐसे बोल रही थी, तो तभी वो शेर वहां पर आ गया, बिल्कुल उसी जगह पर अपियर हो जाता है जहां पर मिस पैक्लेटाइड ने उसे मारना है. एज सून एज इट कॉट साइट ऑफ द टेदर्ड गोट इट ले फ्लैट ऑन द अर्थ seemingly less from a desire to take advantage of all available cover
than for the purpose of snatching a short rest before commencing the grand attack. अब जैसे ही टाइगर ने उस बकरी को देखा तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल फ्लैट लेट जाता है धरती पर. सो राइटर कहते हैं कि सबने तो सोचा था कि वो बकरी को देखकर एकदम से उस पर लपक जाएगा और जंप करेगा और उसे खा जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अटैक करने से पहले वो छोटा सा रेस्ट ले रहा है. आई बिलीव इट्स इल, सेड लुइजा मेबिन लाउडली इन हिंदुस्तानी फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेज हेडमैन हु वॉज इन एम्बुश इन अ नेबरिंग ट्री. एम्बुश मीन्स फाइट. सो हिंदुस्तानी भाषा यानी कि वहां के लोकल गांव वालों की भाषा में लुइजा मेबिन ने कहा कि मुझे लगता है शेर बीमार है. वो गांव के जो सरपंच है उन्हें सुनाना चाहती थी क्योंकि उन्हीं को वो 1000 रुपए का इनाम मिलना था. तो वो कंप्लेंट कर रही थी कि तुमने जो टाइगर अरेंज किया है ये तो बीमार टाइप का है, तो इसके लिए 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है. हश, सेड मिसेस पैक्लिटाइड, एंड एट दैट मोमेंट द टाइगर कमेंस्ड एम्बलिंग टुवर्ड्स हिज विक्टिम. नाउ नाउ, अर्ज मिस मेबिन विद सम एक्साइटमेंट, इफ ही डजंट टच द गोट we needn't pay for it, the bait was an extra. Ambling means moving at a slow pace and victim is the prey. Packletide ne Mabin ko chup karne ko kaha kyunki tabhi dheere 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 wo sher bakri ki taraf ja raha tha. Aur Miss Mabin ne kaha, lekin ek baat hai bhai, agar isne bakri ko chhua tak nahi, agar isne bakri ko khaya bhi nahi, to hum iske paise nahi denge kyunki goat ke paise extra the. The rifle flashed out with a loud report and the great tawny beast sprang to one side and then rolled over in the stillness of death. Loud report means a sudden loud noise, and great tawny here means the orange, brown, yellow, brown color of the tiger. Jaise hi Mrs. Packletide ne rifle se ek shot mara, bahut zor se awaaz aayi aur ye jo bada sa tiger hai ye ek taraf ko gir gaya और रोल करता करता एकदम लेट गया, तो सबको लगा कि अब ये मर गया है. इन अ मोमेंट अ क्राउड ऑफ एक्साइटेड नेटिव्स हैड स्वार्मड ऑनटू द सीन एंड देयर शाउटिंग स्पीडिली कैरीड द ग्लैड न्यूज टू द विलेज वेयर अ थंपिंग ऑफ टॉम टॉम्स टुक अप द कोरस ऑफ ट्रायंफ. नेटिव्स हियर मींस द विलेजर्स, स्वार्म मींस क्राउडेड, टॉम टॉम्स आर स्मॉल ड्रम्स जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ट्रायंफ इज ग्रेट अचीवमेंट. सो आसपास जंगल में जो विलेजर्स वेट कर रहे थे सक्सेसफुल शिकार होने की, जैसे ही उन्होंने गनशॉट सुना और उन्हें देखा कि टाइगर इस तरह से रोल पोल होकर गिर गया है और वो मर गया है, वो सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आए और सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ, मिसेस पैक्लेटाइड ने सक्सेसफुली टाइगर को मार दिया है. एंड दे ट्रायंफ एंड रिजॉयसिंग फाउंड अ रेडी एको इन द हार्ट ऑफ मिसेस पैक्लेटाइड. Already that luncheon party in Curzon Street seemed immeasurably nearer. Echo means copy, किसी चीज को दोहराना. Immeasurably means जिसे हम नाप ना सकें, जिसे हम मेजर ना कर सकें. अब जब मिसेस पैक्लेटाइड ने देखा कि अरे गांव वाले इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो विक्टोरियस हुई, उन्होंने शेर का शिकार कर लिया सक्सेसफुली, तो उनके दिल में भी उनकी जीत कि जो आवाजें हैं वो गूंज रही थी और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो माइंड में ही प्लान किया है कि वो कर्जन स्ट्रीट वाले अपने घर पर एक लंच पार्टी रखेंगी, वो तो अब बस बहुत पास है. अब यहां पे फिर से देखिए, इमेजरेबली नियरर भी एक ऑक्सीमोरॉन है. इमेजरेबल मीन्स जिसे हम नाप ना सके, एंड नियर मीन्स बहुत पास. जो चीज हमारे बहुत पास है उसका डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं. तो यहां पे उन्होंने ऑपोजिंग कंट्रास्टिंग मीनिंग वाले दो वर्ड्स लगाए हैं. दिस इज अगेन ऑक्सीमोरॉन. देन द राइटर सेज, इट वाज लुइजा मेबिन हु ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट द गोट वाज इन डेथ थ्रोस फ्रॉम अ मॉर्टल बुलेट वुंड व्हाइल नो ट्रेस ऑफ द राइफल्स डेडली वर्क कुड बी फाउंड ऑन द टाइगर. डेथ थ्रोस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डाइंग इन पेन एंड मॉर्टल मीन्स डेडली. लुइजा मेबिन ने देखा कि अरे वो जो गोली चली थी उससे तो जख्मी गोट हुई है और वो दर्द से रो रो कर तड़प तड़प कर मर गई है. मींस पैक्लेटाइड की गोली से शेर नहीं मरा, बकरी मरी है. और वो जो शेर है उसकी बॉडी पर तो कोई गोली का निशान भी नहीं है. एविडेंटली
The wrong animal had been hit and the beast of prey had succumbed to heart failure caused by the sudden report of the rifle accelerated by senile decay. Senile means related to old age. Decay is the process of decomposition or rotting. तो कहती है कि लगता है पैक्लेटाइड ने गलत जानवर को मार दिया और जो टाइगर है वो तो उसकी गोली की जोरदार आवाज की वजह से हार्ट अटैक से मर गया क्योंकि वो इतना बूढ़ा था कि वो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया. मिसेस पैक्लेटाइड वॉज पार्डनेबली एनॉयड एट द डिस्कवरी बट एट एनी रेट शी वॉज द पोजेसर ऑफ अ डेड टाइगर एंड द विलेजर्स anxious for their 1,000 rupees gladly connived at the fiction that she had shot the beast and Miss Mebbin was a paid companion. Pardonably means jise hum maaf kar sakte hain. Annoyed means very angry. Gladly connived means secretly allowed to occur and fiction means which is untrue or imaginary. Ab yahan pe dekh liye, pardonably means ek aisi ghatna ya aisa vyakti ya aisi cheez जिसे हम माफ कर सकते हैं. एंड एनॉयड मीन्स बहुत ज्यादा गुस्सा. मिसेस पैक्लेटाइड बहुत ज्यादा गुस्सा थी जब उसे पता चला कि उसकी गोली से टाइगर नहीं मरा बल्कि गोट मरी है और ये चीज मेबिन को पता चल गई है. लेकिन फिर भी वो मेबिन को माफ करने के लिए तैयार थी क्योंकि उन्हें तो एक टाइगर का स्किन का रग चाहिए था और वो उन्हें मिल गया था. और जो गांव वाले हैं वो भी 1,000 रुपए का इनाम जीतने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक थे कि वो भी इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे कि पैक्लेटाइड की गोली से कौन मरा कौन नहीं मरा. उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. और मिस मेबिन है जो, वो भी तो पैसे लेकर ही पैक्लेटाइड के साथ आई थी तो उसे भी क्या प्रॉब्लम होगी चाहे पैक्लेटाइड ने बकरी को मारा या उसने शेर को मारा. इससे मेबिन को भी क्या फर्क पड़ता है. Therefore, did Mrs. Pacletide face the cameras with a light heart and her pictured frame reached from the pages of the Texas Weekly Snapshot to the illustrated Monday supplement of the Novo Vremya. Light heart means free from care, anxiety or seriousness. तो finally, जब किसी को भी कोई problem नहीं थी कि Pacletide ने गोली से किसको मारा है तो सब लोग बहुत ज्यादा satisfied थे कि हाँ हमें एक डेड टाइगर मिल गया है. तो मिसेस पैक्लेटाइड ने फोटोज के लिए पोज किया और उनकी फोटोग्राफ्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छपी जैसे कि टेक्सास वीकली स्नैपशॉट और नोवो व्रेम्या. सो फाइनली मिसेस पैक्लेटाइड को भी बहुत ज्यादा फेम मिल रहा था कि उन्होंने भी एक शेर का शिकार किया है. एज फॉर लूना पेम्बर्टन शी रिफ्यूज टू लुक एट एन इलस्ट्रेटेड पेपर फॉर वीक्स एंड हर लेटर ऑफ थैंक्स For the gift of a tiger claw brooch was a model of repressed emotions. The luncheon party she declined. There are limits beyond which repressed emotions become dangerous. Repressed means suppressed, दबा हुआ, and emotions are feelings. अब जब लूना विंबरटन को पता लगा कि मिसेस पैक्लेटाइड ने भी इस तरह से एक टाइगर का शिकार किया है और डेड टाइगर के साथ उनकी फोटोग्राफ्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छप रही हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी थी. उसे भी लेट डाउन फील हो रहा था क्योंकि उसकी अचीवमेंट तो अब कैंसल हो गई थी, पैक्लेटाइड के सामने फीकी पड़ गई थी. तो वो कितने दिनों तक उसने इलस्ट्रेशंस को देखा ही नहीं, उन न्यूज़पेपर्स में छपी फोटोज को देखा ही नहीं. और उसने पैक्लेटाइड के गिफ्ट किए हुए टाइगर क्लॉ ब्रोच के लिए उसे एक लेटर ऑफ थैंक्स भी भेजा और उस लेटर ऑफ थैंक्स में उसकी दबी हुई फीलिंग्स पता चल रही थी. ऑल्दो वो थैंक्स के लेटर लिख रही थी लेकिन पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा एनॉयड है, कितना ज्यादा लेट डाउन फील कर रही है कि पैक्लेटाइड ने उसे छोटा दिखाया कि उसने भी एक टाइगर का शिकार कर लिया है और उसने लंच पार्टी में आने से भी मना कर दिया. और राइटर कहते हैं, देयर आर लिमिट्स बियॉन्ड विच रिप्रेस्ड इमोशंस बिकम डेंजरस. तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ हद तक तो हम अपनी फीलिंग्स को दबा सकते हैं लेकिन अगर हम उस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो एक खतरा बन जाती हैं. हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ दे न्यू व्हाट रियली हैपेंड सेड लुइजा मेबिन अ फ्यू डेज आफ्टर द बॉल. सो जो पार्टी थी उसके कुछ दिनों बाद लुइजा मेबिन ने पैक्लेटाइड को कहा कि अगर सबको पता चल जाए कि सच में वहां उस दिन क्या हुआ था तो कितना मजा आएगा. व्हाट डू यू मीन आस्क्ड मिसेस पैक्लेटाइड क्विकली. How you shot the goat and frightened the tiger to death,
said Miss Mebbin with her disagreeably pleasant laugh. तो जब पैकलेटाइड ने पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो मेबिन ने कहा कि अगर सबको पता चल जाए कि किस तरह से तुमने तो गोली से बकरी को मारा है और बेचारा टाइगर तो ऐसे ही डर के मारे मर गया, तो कितना मजा आएगा ये जब सबको पता चलेगा. No one would believe it, said Mrs. Packletide, her face changing color as rapidly as though it was going through a book of patterns before post time. Book of patterns is a book showing the color patterns of racing with colors worn by jockeys. Before post time means start of the horse race and deadline for placing a bet. So writer कहते हैं कि Mrs. Packletide ने कहा कि कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा. और जब पैकलेटाइड ऐसा कहती है तो उसके चेहरे के रंग बहुत तेजी से बदलते हैं. तो वो किस चीज से उसके चेहरे के रंगों को बदलने को कंपेयर कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जब कोई हॉर्स रेस शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले लोग शर्त लगाते हैं अलग अलग हॉर्सेस पर, और शर्त लगाने के लिए एक किताब आती है जिसमें हर हॉर्स पर बैठे हुए जॉकी की शर्ट का कलर दिखाया जाता है और उनके शर्ट्स के कलर सबके बहुत अलग अलग होते हैं. तो कहते हैं कि जब आप उस तरह की किताब में पन्नों को पलटते हैं ना, तो आपको अलग अलग रंगों की शर्ट्स दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं. तो मिसेस पैकलेटाइड के चेहरे का रंग भी इस तरह से बहुत तेजी से चेंज हो रहा था. इससे वो ये कहना चाहते हैं कि पैकलेटाइड की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो भी बहुत तेजी से बदल रही थी जब मेबिन ने ये चीज कही कि अगर सबको सच्चाई का पता चल जाएगा तो कितना मजा आएगा. Luna Wimbledon would, said Miss Mebbin. Mrs. Packletide's face settled on an unbecoming shade of greenish white. Mebbin कहती है कि और कोई विश्वास करे ना करे, Luna Wimbledon तो जरूर विश्वास कर लेगी. और ये सुनकर finally Packletide का चेहरा greenish white कलर का हो गया. You surely wouldn't give me away, she asked. Give me away means reveal my secret. तो Packletide कहती है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस राज को खोलोगी नहीं, किसी को नहीं बताओगी. I've seen a vacant cottage near Darking that I should rather like to buy, said Miss Mebbin with seeming irrelevance. 680 freehold, quite a bargain, only I don't happen to have the money. Irrelevance means having no connection with the topic in discussion. अब उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो ये था कि वहां पर शिकार वाले दिन असल में क्या हुआ था, ये बात मेबिन किसी को बताएगी या नहीं बताएगी. तो एकदम से टॉपिक चेंज करते हुए मेबिन कहती है कि मैंने एक वीकेंड कॉटेज पसंद किया है जो कि 680 फ्रैंक्स का है, और मैं वो कॉटेज खरीदना चाहती हूँ, बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है. मींस वो पैकलेटाइड को कह रही है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे राज को राज रखूं और किसी को ना बताऊं, तो तुम मुझे ये कॉटेज के पैसे दे दो. Louisa Mebbin's pretty weekend cottage, christened by her, lay far away and gay in summer time with its garden borders of tiger lilies is the wonder and admiration of her friends. Lay far away means in French for the wild animals and gay means happy and cheerful. So finally Louisa Mebbin ko ye bride mil jati hai. Unhe ye weekend cottage mil jata hai aur uska naam wo rakhti hai lay far away, जो कि फ्रेंच में है और उसका मतलब है द वाइल्ड एनिमल्स. और वो इस कॉटेज के बाहर टाइगर लिलीज लगाती हैं. टाइगर लिलीज के जो डिजाइन है वो टाइगर की स्किन से मिलता जुलता है, और वो टाइगर लिली के पौधे इसलिए लगाती हैं क्योंकि उस टाइगर की वजह से ही, उस राज की वजह से ही उसे ये कॉटेज मिला है. और उसकी सारी फ्रेंड्स बहुत एडमायर करती हैं, बहुत प्रशंसा करती हैं उसके सुंदर कॉटेज की. It is a marvel how Louisa manages to do it, is the general verdict. Mrs. Packletide indulges in no more big game shooting. The incidental expenses are so heavy, she confides to inquiring friends. Marvel means koi unbelievable cheez, and verdict means the decision. Indulges means to take part in something. Big game shooting means hunting big animals. Incidental means secondary, means additional. Confides means आप अपना सीक्रेट किसी और के साथ शेयर करती हैं. Louisa Mebbin के लिए सब लोग कहते हैं कि पता नहीं ये इतने काम, बड़े बड़े काम कैसे कर लेती है,
और पैकलेटाइड ने डिसाइड कर लिया कि अब वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं करेंगी। और जब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तुम अब बड़े जानवरों का शिकार क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि जो एडिशनल खर्चे हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मैं उतने खर्चे बियर नहीं कर सकती। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर मिसेस पैकलेटाइड्स टाइगर। और इसमें जो अनयूजुअल लैंग्वेज यूज हुई है उन सेंटेंसेस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। If you like the video, please give us a thumbs up and share this video with your friends. And for more useful videos, subscribe to the channel. Thank you.